ग्वालियर में कोरोना सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर 2 मरीजों की मौत हो चुकी है एवं वही आईसीयू में भर्ती 9 कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। मैं पूर्वा और आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग की 4th मंजिल पर स्थित कोविड सेंटर के आईसीयू वार्ड में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई थी, जहां पर 9 कोरोना मरीज भर्ती थे एवं जिनमें से 2 मामूली तौर पर झुलसे हैं एवं आग से मची अफरा तफरी के कारण 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस आगजनी की घटना का पता चलते ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नोडल ऑफिसर नीलिमा टंडन और नीलिमा सिंह तुरंत 4th मंजिल पर पहुंची। मरीजों की जान बचाने की खातिर दोनों डॉक्टरों ने बाकी स्टाफ और डॉक्टरों को बुलाया और खुद बिना पीपीई किट पहने मरीजों की जान बचाने में जुट गए। इसी तेजी के चलते सभी मरीजों को बचा लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक जूनियर डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई, जिसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया और अब वह खतरे से बाहर है। अस्पताल में आग लगने की खबर का पता चलते ही मरीजों के परिजन और दूसरे लोगों की भीड़ अस्पताल में जमा होने लगी। आग लगने के दौरान यहां पर भगदड़ मच गई और इसी दौरान एक एम्बुलेंस में लश्कर सर्कल से आए कोरोना मरीज को भी यहां लाया गया, जिसे अस्पताल के बाहर 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे ताजा न्यूज चैनल के साथ एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।